हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। ऑल टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा ऑल टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर कर लें, यहाँ पर क्लिक करके, या फिर यहाँ पर नीचे ये बटन है इसको क्लिक करके आप यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स डालते हैं, क्योंकि आपके बहुत काम की चीज़ें। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि जीमेल का अकाउंट परमानेंटली कैसे डिलीट करा जाए। अगर आप जानना चाहते हैं कि जीमेल का अकाउंट कैसे परमानेंटली डिलीट करा जाए तो फिर आप ये वीडियो देखते रहिए। जीमेल का अकाउंट परमानेंटली डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको जीमेल खोलना पड़ेगा। gmail.com हम खोलते हैं। देखिए यूआरएल में जैसे मैंने लिखा तो यहाँ पर ये मेरा एक पुराना अकाउंट है सिमरंग कौर के नाम से, तो इसमें मैं पासवर्ड डालता हूँ। मैंने पासवर्ड डाल दिया और हम यहाँ अपने जीमेल के डैशबोर्ड में आ गए। ये हमारा जीमेल का डैशबोर्ड है, इससे तो आप फैमिलियर होंगे। जैसे ही आप अपने जीमेल के डैशबोर्ड में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा गियर आइकन दिख रहा है। इस गियर आइकन के ड्रॉप डाउन में आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिलता है, सेटिंग्स में आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स में क्लिक करते हैं तो आप इसके सेटिंग्स में पहुँच जाएंगे। ये आपका सेटिंग्स है, यहाँ पर से आप अपने पूरे जीमेल की सेटिंग्स जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। जीमेल की सेटिंग में आपको यहाँ पर एक ये दिख रहा है अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट्स का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करके इस पर जा सकते हैं। यहाँ पर फिर आपको यहाँ का दिख रहा है अदर जीमेल अकाउंट सेटिंग, इसमें आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं सिक्योरिटी चेकअप में। यहाँ पर देखिए, या फिर आप ये URL डायरेक्ट खोल सकते हैं myaccounts.google.com, तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। इसको हम स्क्रॉल करते हैं नीचे को, ये स्क्रॉल हमने करा नीचे को और लास्ट में यहाँ पर देखिए डिलीट गूगल अकाउंट एंड डेटा में आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप ये डिलीट गूगल अकाउंट एंड डेटा में क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन होते हैं। दोस्तों, आपको जीमेल अकाउंट डिलीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ सकती है? या तो आपको कोई स्पैमिंग कर रहा हो, बहुत सारे ईमेल भेज रहा हो, या आपके पास बहुत सारे जीमेल अकाउंट हो जिनको आपको मैनेज करना बहुत टफ पड़ रहा हो, इसलिए आप अपना जीमेल अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं। तो जीमेल अकाउंट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत काम की चीज़ है। अगर आप अपना जीमेल अकाउंट क्लोज करते हैं, मतलब डिलीट करते हैं, तो आपकी जीमेल से, गूगल से जुड़ी हुई जितनी भी आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे के सारे डीएक्टिवेट होंगे अपने आप। जैसे आपका जीमेल अकाउंट डिलीट होगा, आपके फोटोज जितने हैं वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है। और आपका यूट्यूब अकाउंट प्लस में डिलीट होगा, प्लस आपका गूगल ड्राइव को फिर आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, और आपका गूगल प्लस का अकाउंट डिलीट हो जाएगा अगर आपका गूगल प्लस का अकाउंट बना हुआ है। आपका अगर कोई ब्लॉगर में ब्लॉग बना हुआ है तो वो भी डिलीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सारी आपकी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं, आप उनमें से फिर किसी को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर ये जैसे ही आप इस विंडो में पहुँचते हैं, ये वाले पेज में पहुँचते हैं, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है, ये पूछ रहा है यू कैन डाउनलोड योर डेटा बिफोर डिलीटिंग योर अकाउंट। तो अगर आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर सिंपली डिलीट में क्लिक करें, ये डाउनलोड में क्लिक करें, और आपका जो भी डेटा आपने गूगल के पास भेजा होगा, सबमिट कर रखा होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर से आप ये देखिए इतनी सारी सर्विसेज से फिर आप अपना हाथ धो सकते हैं, मतलब आप इन सारी सर्विसेज को फिर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे बुकमार्क जो आपने सेव कर रखे होंगे, जीमेल के ईमेल जो आपने सेव कर रखे होंगे, कॉन्टैक्ट हो गए, गूगल ड्राइव हो गया, प्रोफाइल, हैंगआउट, गूगल प्लस के लिए जितने भी हैं, प्लस भी जितने आपने कर रखे हैं, गूगल के जितने भी पेजेस हैं, जितनी आपकी फ़ोटोज़ हैं, मैसेंजर हैं, जितने टास्क हैं, और मैप्स आपने जहाँ जहाँ पर डिसाइड कर रखे होंगे वो सारे के सारे अपने आप उनसे आप डीएक्टिवेट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको फिर ये क्या कहते हैं, नेक्स्ट, जैसे आपने नेक्स्ट में क्लिक करा, आप यहाँ पर क्या करें, जिप सेलेक्ट कर लें। जैसे कि यहाँ पर जो भी आपको फॉरवर्ड में फाइल चाहिए आप जिप सेलेक्ट करते हैं, तो इससे क्या, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या फिर आप अपनी गूगल ड्राइव में भेज लें, या फिर आपकी ईमेल में ये एक लिंक भेजेगा आर्चीव सबको कलेक्ट करके। वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है कि आपका कितना डेटा गूगल के पास पड़ा हुआ है, उसके हिसाब से वो उतना टाइम लगेगा सबको कलेक्ट करने में और एक जिप फोल्डर के अंदर पैक करने में। उसके बाद यहाँ पर क्रिएट आर्चीव में क्लिक करें तो वो आपके पास ईमेल में भेज देगा। तो उसके बाद हम यहाँ क्या कहाँ थे, हम डिलीट में थे। तो डिलीट के लिए आपको क्या करना होगा, डिलीट के लिए हम जाते हैं बैक, तो फिर
बैक में जाते हैं दोबारा से, यहाँ पर अकाउंट चार्ज डॉट कॉम खोलते हैं, सॉरी एक सी रह गया यहाँ पर, अकाउंट डॉट गूगल डॉट कॉम जैसे आप खोलते हैं तो आप यहीं पर पुराने वाले पेज में पहुंच जाएंगे जहां पर आपने पहले से पहुंचना था। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंच जाते हैं आपके पास ये लास्ट में ऑप्शन था डिलीट गूगल अकाउंट एंड डेटा, तो आपने इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो उसके बाद जो अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आप इसके खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर आपकी कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स पड़ी हुई है तो आपको वो बाद में आपको अपने आप देखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं दोनों को यस यस कर लेते हैं, परमानेंटली डिलीट गूगल अकाउंट एंड ऑल इट्स डेटा, जितना भी डेटा है सबको डिलीट करते हैं। तो जैसे हम डिलीट बटन में क्लिक करते हैं तो ये देखिए गूगल अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो गया। अब हम इसको लॉग इन करके देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या डिलीट हुआ या नहीं हुआ। डिलीट में क्लिक करते हैं और उसके बाद हम इन दोनों को चेक करते हैं, वो डिलीट नहीं हुआ था। हम डिलीट में क्लिक करते हैं, ये देखिए अकाउंट डिलीटेड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेटिंग्स के बाद अकाउंट डिलीटेड। अब ये बोल रहा है वी आर सॉरी टू सी यू लीव योर गूगल अकाउंट एंड ऑल योर डेटा हैव बीन डिलीटेड। तो ये अकाउंट जो आपका पूरा है पूरा का पूरा डिलीट हो गया है। आपका कभी हो ना हो लेकिन आप पहले से ये देख लें कि आपका जो है जीमेल का लेके चलें कि आपका आप जो अपना जीमेल अकाउंट डिलीट कर रहे हैं वो परमानेंटली डिलीट कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के इसको ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको यहाँ पर ये सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, जिसमें हम कंप्यूटर इंटरनेट मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल डालते हैं हिंदी में, जो कि आपके बहुत काम की चीज़ है। तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।